अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पिंपल्स के बारे में। ठीक है, देखिए पिंपल्स होना एक आम बात है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों को होता है और हर किसी को होता ही है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिंपल्स क्यों होते हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिंपल्स क्यों होते हैं या फिर पिंपल्स के रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, पिंपल्स होने के बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे उसके काजस हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है वो सबसे पहले हमारा हार्मोनल चेंजेस आता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको पिंपल्स होते हैं, या फिर डाइट की वजह से, अगर आप अपना बैलेंस्ड डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स होते हैं, हो सकते हैं। फिर उसके अलावा आप पोल्यूशन में रह रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे स्ट्रेस है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस ज़्यादातर टीनेजर्स में देखा जाता है, उसकी वजह से भी पिंपल्स भी ज़्यादातर हमें टीनेजर्स में देखने को मिलता है। कंपेयर जो बच्चों से और बूढ़ों से कंपेयर करेंगे तो जो टीनेजर्स में हैं, टीनेज ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर होता है। फिर उसके अलावा अगर आप पोल्यूशन में हैं और अपना डाइट ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस गंदगी की वजह से भी आपको पिंपल्स होने के चांसेस हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये थे कुछ रीजंस या फिर कुछ कॉजेस जो हमें पिंपल्स लाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पिंपल्स को कैसे रोका जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है आप अपने डाइट को ध्यान दें। अगर आप ठीक से अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट पर ध्यान रखें, उसमें अच्छे न्यूट्रिशियस फ्रूट्स को, न्यूट्रिशियस डाइट को मेंटेन करें और जो हमारा जंक फूड है, फास्ट फूड है या फिर ऑयली फूड्स है उनसे परहेज करें, ज़्यादा उसको ज़्यादा ना लें। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो पानी ज़्यादा पीना। अगर आप अपने पिंपल्स को रोकना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी पिएं। फिर उसके अलावा रेगुलर अपने फेस को अच्छे से धोएं, एक फेस वॉश की मदद से अपने फेस को रेगुलरली दिन में दो बार अच्छे से धोएं। इसकी वजह से भी आपका फेस क्लीन रहेगा, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। फिर उसके अलावा भी अगर आप मेकअप करते हैं तो जब मेकअप के समय आपके जो ब्रशेस हैं और जो स्पॉन्जेस हैं उसे क्लीन रखें, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसे क्लीन नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी आपको फेस पर पिंपल्स होने के चांसेस हैं। फिर उसके अलावा अगर आप अपने चेहरे को पिंपल्स से बचाना चाहते हैं तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें। देखिए, मुल्तानी मिट्टी भी पिंपल्स को रोकने में बहुत फ़ायदेमंद है और इसके अलावा वो साथ ही साथ ग्लो में भी मदद करती है। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, इसमें कोई भी काज नहीं है, आपको काज पता नहीं चल रहा है, तो तब अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो जो कुछ टिप्स बताते हैं तो उसे अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो आपके फेस पर पिंपल्स कम हो सकते हैं और आने से पिंपल्स होने से आप बच सकते हैं। ठीक है, ये थे कुछ रीजंस और कैसे रोकने के तरीके, पिंपल्स को अपने फेस पर आने से कैसे बचाएं, ये थे कुछ टिप्स। इसे अपने डेली रूटीन में ऐड करके आप अपने फेस को पिंपल से बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।